हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप लुक क्रिएट। एंड ये जो मेकअप लुक है ये है फ्रेंडशिप डे के लिए। फ्रेंडशिप डे पर यू नो आउटिंग के लिए किस तरीके से आप सॉफ्ट सा मेकअप कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड से मिलने भी जा रहे हो तभी भी। तो ये आप देख रहे हैं मेरा फेस इस वक्त बिल्कुल क्लीन है, और आपको थोड़े बहुत पिंपल और ब्लैमिशेस भी दिख रहे होंगे। तो अब मैं सबसे पहले जो मेरे फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ, दिस इज़ विटामिन सी सेरम। तो सबसे पहले अब आप देख रहे हैं मैं ले रही हूँ विटामिन सी सेरम, एंड इस सेरम को मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही आराम से। और विटामिन सी जो है वो फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, एक अच्छी लेयर बना लेनी चाहिए स्किन पे, जिससे कि मेकअप स्किन को ख़राब ना करे। और अब इसको अच्छे से मैं अपनी स्किन में जो है वो ब्लेंड कर दूंगी, जिससे कि फेस और नेक पर स्पेशली, जिससे कि मेकअप का कोई भी इफ़ेक्ट मेरे चेहरे पर ना हो। और ये मैंने पहना है फ्रेंडशिप बैंड, ये है ज्वेल्स गैलेक्सी से। एंड ज्वेल्स गैलेक्सी की वीडियो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पर। अब मैं बात करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र के बारे में। तो मैं अप्लाई करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट का ऑयल इन जेल मॉइस्चराइज़र क्रीम, एंड ये बहुत ही लाइट वेट है और मेकअप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाती है, और मेकअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इवन लगता है फेस पर। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे तो आपका फाउंडेशन जो है वो केकी और अजीब सा लगेगा एंड पैची हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसे फेस और नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और आईज़ पर भी। अब मैं ले रही हूँ कलबार का ये प्राइमर, कलबार परफेक्ट मैच प्राइमर है ये, एंड ये स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं होने देगा और मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, पोर्स जो है वो इवन हो जाएंगे और स्किन में बहुत ही अच्छे से टी जोन एरिया जो है वो काफ़ी देर तक ऑयली नहीं होगा अगर आप प्राइमर अप्लाई करोगे अच्छे से पैट करके। एंड साथ ही आप आईलिड्स पर भी अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपका आई शेडो देर तक रुके। उसके अलावा मैं ले रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट करीना कपूर फेस कॉन्टोर फाउंडेशन। ये फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन स्टिक है, तो ये मीडियम सा कवरेज भी मिलेगा, अगर आप चाहें तो इसे फुल कवरेज भी कर सकते हैं। और इसे मैं हाथ से ही ब्लेंड कर लूँगी। ये कंसीलर फाउंडेशन सारी चीज़ों का काम ये खुद ही कर लेगा, एंड ब्रश या ब्लेंडर का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ, तो इससे प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा और जितना मैंने लगाया है उतना ही सफिशेंट रहेगा मेरे फेस के लिए। और मैं इसको बहुत ही इजीली ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे तो ये ब्लेंड होने में दिक्कत होगी। और अपने कान पर भी अप्लाई करें, जिससे कि इवन लगे। एंड मैं थोड़ा सा लेकर के और आईज़ पर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि डार्कनेस जो है वो रेडनेस डार्कनेस जो होती है वो ढक जाए। और कोई ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, आप फिंगर से ही ब्लेंड कर सकते हैं। एंड इसी को मैं एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी अंडर आई एरिया पर, जिससे कि मेरी आईज़ का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा इवन लगे फेस से। इसमें भी किसी प्रकार के ब्रश की आवश्यकता नहीं है और ये बिल्कुल केकी नहीं लगेगा, बट लेकिन इसको अच्छे से रिंग फिंगर से ब्लेंड कर लें। अब ये ब्लेंड हो गया है अच्छे से, और अब मैं इसको सेट करूँगी लोटस के कॉम्पैक्ट से। ये सिल्क टच कॉम्पैक्ट है, तो मैं इसे लोटस के इस स्पॉन्ज से ही सेट कर रही हूँ, और आप चाहें तो ब्रश ले सकते हैं, लेकिन ब्रश से ज़्यादा अच्छा स्पॉन्ज से सेट होता है। डैब करके उसको रब करके कभी भी सेट ना करें, वरना प्रोडक्ट निकल जाता है। और उसके बाद मैं ब्रश लूँगी फेस के लिए, एंड ये पैक का ब्रश है, एक्स्ट्रा को डस्ट कर दूँगी। और उसके बाद मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ, जिससे कि मुझे बिल्कुल भी केकीनेस नहीं चाहिए मेरे फेस पे, और मेकअप जो है वो इवन हो जाए लेकिन हैवी नहीं लगे। और आप ये मेकअप डे नाइट दोनों समय पर यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही नेचुरल और फ्लॉलेस सा लुक आएगा। और मैंने नेक पे भी अप्लाई कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ कलबार की आईब्रो पेंसिल, और
इससे मैं बस एक लाइन बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ सिर्फ। इसमें ना एक ब्रश आता है, तो इस ब्रश से मैं अप्लाई करूँगी पूरे कलर को, एंड ये अच्छे से भर जाएगा। और जितना भी पाउडर और फाउंडेशन का जो एक्सेस लग जाता है इसमें सब निकल जाएगा। और अब मैं दूसरी आईब्राउ को भी सेट कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने इन्हें सेट कर लिया है और अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ कलबार का ये कॉन्टोर एंड ब्लश पैलेट से। मैं इसे आई शेडो के तरीके से यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट न्यूड कलर है और मैं ज़्यादातर इसे ही लगाती हूँ। मुझे बिल्कुल डार्क चमकीले आई शेडो पसंद नहीं है। और अगर आप यू नो जनरली पार्टी में भी इसे लगा कर जाना चाहें तो लगा सकते हैं, दोनों शेड्स को मिक्स एंड मैच करके। और स्किन जो है वो पता ही नहीं चलेगा, पास से कोई देखेगा तो लगेगा आई शेडो लगाया, अदरवाइज स्किन बहुत फ्लॉलेस लगेगी। एंड आप देख रहे हैं एक हल्का सा लुक आ गया है, नेचुरल बिल्कुल न्यूड कलर। अब मैं ले रही हूँ कलबार का ही दूसरा जो कॉन्टोर पैलेट है इसका हाईलाइटर, और ब्राउ बोन को सेट कर लूँगी, हाईलाइट कर लूँगी अच्छे से, जिससे कि मेरा आई शेडो जो है वो और ज़्यादा इवन एंड अच्छा लगेगा। ये परफेक्टली ब्लेंड हो गया है दोस्तों, ये देखा आपने। एंड इसके बाद में मैंने लिया है पैक का कॉन्ट्रोल ब्रश, एंड मैं इस पैलेट के कलबार की फील द रेन पैलेट से कॉन्ट्रोरिंग कर रही हूँ। इसका जो ब्रॉन्ज़र है ये बहुत सॉफ्ट एंड लाइट है, ये आपने देखा, बस एक एप्लीकेशन में ही ये बिल्कुल अच्छी सी डेफिनेशन दे देता है, एंड साइड से पता चलेगा बहुत ज़्यादा हैवी ये नहीं लगेगा। और इससे आप अपने चिन एरिया पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इससे आप अपनी नोज़ कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल शार्प बना सकते हैं उसको। लेकिन कोई पास से भी देखेगा तो ही शायद पता चले। एंड इसमें इतने माइक्रो ग्लिटर पार्टिकल हैं कि वो पता ही नहीं चलते। ये बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है इसका। आई थिंक ये बेस्ट पैलेट है डे एंड नाइट के लिए। इससे आपको मैट और शिमरी दोनों का लुक मिलता है। और अब मैं ले रही हूँ इसी पैलेट से ब्लश, और मैं बहुत थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करूँगी, बहुत ही थोड़ा सा, फिर भी ये यू नो अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप पाउडर ब्रश से लेकर के एक्स्ट्रा को आप हटा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कॉन्टोरिंग ना भी करें तब भी चलेगा, सिर्फ ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ कॉन्टोरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जो एक्स्ट्रा ब्लश और कॉन्टोर लग जाता है उसके लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं पाउडर को लेकर के, और 5 मिनट बाद जब ये सेट हो जाए तो किसी ब्रश से हटा दीजिए। अब मैंने लिया है नायका का ब्राउ मस्कारा, इससे आईब्राउज बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी। एंड ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैंने इसे बहुत देर में ट्राई किया बट फाइनली ये मेरे पास है। अब मैंने लिया है सिफोरा का ये मिनी मस्कारा, एंड इसको बिना आईलैश कर्लर के ही मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैं फॉल्स लैशेस जो है वो यूज़ नहीं करूँगी, इसी से आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हैंडी है, बहुत अच्छा है ये। आई थिंक ये 1100 रुपये का है, 1100 या 1200, बट इट्स वेरी नाइस और बहुत ही लाइट वेट है, इट्स नॉट हैवी। और अब मैं अपने लिप बाम को अप्लाई कर चुकी हूँ, ईयरिंग पहन चुकी हूँ, बालों को मैंने ओपन कर लिया है। हेयर स्टाइल आप चाहो तो कोई भी बना सकते हो, और आप ये मेरा बैंड देख सकते हैं। एंड अगर आप मैरिड हैं और आपको पसंद है तो आप बिंदी लगाइए, अगर नहीं पसंद है तो इट्स ओके। और अगर आप टीनेजर हैं तो लिप बाम से ही काम चलाइए, लिप बाम भी बहुत अच्छा लगता है जैसे मैंने लगाया है। बट मैं इसे रिमूव करके अभी आपको दिखाऊंगी कि आप लिप कलर में भी कैसे लग सकते हैं। और मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, और रिमूव करके मैंने लिया है नायका का ये मोल्टन मैट लिप कलर। दो ब्यूटीफुल से शेड लिए हैं जिनको मैं मिक्स एंड मैच करके अप्लाई करने वाली हूँ, और बस यही सफिशिएंट है, इससे बहुत प्यारा लुक आएगा। एंड एवरीडे के लिए ये बिल्कुल सफिशिएंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से ये मेरा जो मेकअप लुक है ये बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब मैं बस अपना हेयर स्टाइल थोड़ा सा ठीक कर लूँगी, मैसी हो गया था। और आप चाहे तो पोनी बनाइए, इस मेकअप के साथ में आप कुछ भी करिए, दिस इज़ माय आइकॉनिक मेकअप लुक। एंड इस लुक को मैं यू नो
कहीं भी जाती हूँ तो यही लुक क्रिएट करती हूँ। मुझे लाइनर और एक्सेस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इतनी चीज़ें मैं लगा लूँ एंड सही तरीके से लगा लूँ। आप इधर से देखिए, इधर से देखिए, फेस बिल्कुल आपको इवन लगेगा, डेफिनेशन आपको एक एक क्लियरली दिखाई देगी और चेहरा लेस इज़ मोर वाला जो सेंटेंस है वो मुझ पर बिल्कुल फिट होता है। मतलब मैं अगर मेरे मेकअप को सॉफ्ट रखती हूँ तो मेरा चेहरा थोड़ा बेटर लगता है, और थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ तो खुद ही नहीं अच्छा लगता। इनफैक्ट अभी भी मैंने जो ये लिप कलर लगाया, अगर मैं इसे लाइट कर दूंगी तो और अच्छा लगेगा। तो वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा लाइट कर देती हूँ। तो ये लिप कलर मैंने बिल्कुल रिमूव ही कर दिया है एंड अब मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। और आप इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ बैठ करके चिट चैट कर सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं, फ्रेंडशिप डे पर आउटिंग में जा सकते हैं, या आप किसी भी दिन अपने दोस्तों के साथ अगर आउटिंग प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके के लुक में जाइए, इट्स वंडरफुल। एंड उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। और हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।